नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। पीछे आप ये पोस्टर देख रहे हैं, ऊपर एक टाइगर है, इधर नीचे दो टाइगर। टाइगर्स बड़े टेरिटोरियल होते हैं और उसके टेरिटोरियल होने का नतीजा बहुत घातक होता है कभी कभार। आज ऐसी एक कहानी आप सुनेंगे, ये मेरे फादर के कैंप साइट की है। ये कहानी एक मेरे अंकल थे जो नई नई पोस्टिंग होके आई थी, वो GSI में आए थे डिप्टी ड्रिलिंग इंजीनियर की पोस्ट में और मेरे फादर के अंडर में ही थे। अभी 15 दिन हुए होंगे उनको कैंप में आए हुए, तो एक साइट पे जहाँ ड्रिलिंग हो रही थी वो काम कर रहे थे, तो एकदम से एक जो जीप आई अगली कैंप से, उसने बताया जो साइट नंबर 3 है, ये साइट नंबर 1 में काम कर रहे थे, बताया जो साइट नंबर 3 पर ड्रिलिंग हो रही है वो वहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो वहाँ की जो मशीन जो है चल नहीं रही, जो ड्रिल मशीन होती है जो खोदती है उसमें कोई फॉल्ट आई है। तो फादर ने इनसे बोला कि आप जाइए और वो देख के आइए, चाहिए तो आप जीप ले लीजिए। अब ये था कि अगर ये जीप लेके जाते तो जो रास्ता था वो नीचे होते हुए फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ता था, तो उसमें टाइम लग जाता है 1.5-2 घंटा पहुंचने में। तो उसमें जो दो लोकल लोग जो कैंप्स में काम करते थे उनमें से एक था जो अंदर थे जंगल का रास्ता उस साइट का जानता था, तो उसने फादर को बोला कि साहब हमको जो है वो पगडंडी वाला जंगल का रास्ता मालूम है और हम इनको जो है ले जाएंगे। तो फादर ने बोला ठीक है भाई, अगर आपको लग रहा है कि तुमको लग रहा है कि तुम इनको ले जा सकते हो तो आप ले जाइए। तो इनको खैर देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी जंगल में काम होता था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिसर्स आते थे उनको एक तो या तो गार्ड दे दिया जाता था जिनके पास डबल बैरल होती थी, LG लोडेड होता था क्योंकि जंगल का मामला रहता था, कोई भी बड़ा जानवर वहाँ मिल सकता था। जंगल एक अनिश्चित गाँव की जगह है जहाँ अनिश्चित चीज़ें होती रहती है और बड़ी वेग चीज़ें होती रहती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आज इस कहानी में जो आप सुनेंगे वो यही सुनेंगे। तो तय ये हुआ कि जो पैदल पगडंडी वाला रास्ता था उससे ये जो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, बनिस्बत कि वो एक चक्कर लगा के कम से कम 20 किलोमीटर पहुँचे। तो इन्होंने कहा कि चलो पगडंडी चलते हैं, हम लोग के लिए ट्रैक भी हो जाएगा। और एक बंदा था जिसके पास डबल बैरल थी, फादर ने उसको साथ में दे दिया और वो लोकल लेबर उन ऑफिसर के साथ चला गया। चलते चलते जब ये लोग आधे रास्ते पे आए तो एक बड़ा सा बरगद का पेड़ टाइप का था, ये लोग थोड़ा थक गए तो जो पानी की बोतल लाते हैं अपने उसमें वो लोग पानी पीने लगे। अब जब ये पानी पीने लगे तो अचानक सामने एक पेड़ के तने के पास, वो जो बरगद का पेड़ था उसके तने के पास इन्होंने आवाज सुनी, बड़ी तेज फुफकार सुनी। फुफकार सुनते ही ये लोग समझ गए थे कि ये फुफकार जो है किसी बड़े सांप की है, और वो लोकल था वो पहचान गया। तो बड़ा किंग कोबरा वहां पर इन लोग को अपनी तरफ आते देखे, क्योंकि पगडंडी का रास्ता जो था पेड़ से होते हुए ही जा रहा था बगल से। तो जैसे ही इन लोगों को उसने आते देखा उसने ऊपर फन करते हैं ना फन किया और बड़ी तेज फुफकार मारी, दैट वाज वार्निंग कि हम यहाँ हैं। तो एटलीस्ट कोबरास के अंदर कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जंगल के अंदर कि फुफकार से वो, क्योंकि वो तो वाइब्रेशन से पहचानते हैं भाई, यहाँ भाई किसी सांप के कान तो होते नहीं है, बट आपके फुट वाइब्रेशन से वो पहचान जाते हैं कि आप कितनी दूर है, इतनी एक्यूरेसी रहती है। तो जब ये रेंज में आए होंगे तो उसने फुफकार मारी होगी वार्न करने के लिए कि मैं यहाँ हूँ, और किंग कोबरा कितना जहरीला होता है हम लोग सब जानते हैं। तो फुफकार रहा था, लकीली तीनों थोड़ा सा अलर्ट हो गए और पीछे हट गए। तीनों वहीं खड़े हो गए ताकि सांप वहाँ से किसी तरह जब निकल जाए तब फिर वो, क्योंकि पगडंडी का रास्ता वही था, बट वो फुफकार तारा गुस्से में। तो इन्होंने तय किया कि भाई ये किंग कोबरा तो लग रहा है कि अपने रास्ते से नहीं हटने वाला है, तो हम ही लोग को ये थोड़ा सा
तो वो जो लोकल लेबर था उसने बोला कि अपने पास हम मेरे को एक दूसरा रास्ता मिलता है, फिर जो आगे थोड़ा सा घूम के हम लोग जाएंगे तो उसी रास्ते में मिल जाएगा और थर्ड साइट में हम लोग पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में जो सांप जो था वो नीचे करके झाड़ियों में कुछ इसको खा रहा था, शायद इन्होंने डिस्टर्ब की। तो इन्होंने देखा कि निकलते निकल देखा कि वो फिर झाड़ियों में घुसा, उसने मुंह में ग्रैब किया हुआ था एक फॉक्स का बच्चा, लोमड़ी का बच्चा उसने पकड़ लिया था और वो फिर वो निकलना चालू कर रहा था और तभी इन लोग की आने की आवाज़ आ गई और वो डिस्टर्ब हो गया। जब डिस्टर्ब हो गया तो उसने फुफकार मारी बड़ी जोर से। ये देखिए हमारी शेरनी भी नीचे से म्याव म्याव कर रही है। तो तो इन्होंने कहा कि वो दूर का रास्ता ही लेना पड़ेगा, ये हमारी कैट है, क्वीनी है इसका नाम, ये आवाज दे रही है, वो जान रही है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो ये थोड़ी सुबह के टाइम इसी तरह आवाज करती रहती है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जो दूसरा वाला है रास्ता वो ले लेना चाहिए टू बी सेफ, क्योंकि ये गुस्से में है, इसके मुंह में शिकार है, वो निकल रहा था। तो सभी लोग थोड़ा सा पीछे आ गए और वो दूसरे रास्ते की तरफ चलने लगे, वो जो घूम के जाता था, फिर आगे जाके वो इसी पगडंडी से मिलता था, फिर तीसरी साइड की तरफ ये लोग पहुंचते। बट जंगल बड़ा विचित्र होता है, एक मुसीबत से आप निकलते हो सकता है आप दूसरी मुसीबत में फंस जाओ, और उस दिन ऐसे ही कुछ ये लोग जो जानते भी नहीं थे वो होने वाला था इनके सामने। ये लोग गए थे जब आधा घंटा वहाँ पैदल चलते गए, वहाँ से मुश्किल से और आधा घंटा चलते तो वो साइट पे पहुँच जाते, फिर तो वहाँ गाड़ियाँ आड़ियाँ थी, वहाँ से वो जो ड्रिलिंग डिप्टी ड्रिलिंग इंजीनियर थे वो मशीन को चेक करके उस जीप से वापस आ सकते थे, क्योंकि इधर से पैदल गए थे। तो यही डिसाइड हुआ था जो शॉर्टर रास्ता है, अब शॉर्टर रास्ता में एक रोड़ा तो लग गया था कि ये किंग कोबरा का, दूसरा थोड़ा घूम के जाना पड़ा, तो ये लोग थक भी गए थे, थक के एक बहती हुई स्ट्रीम थी उसमें ये लोग अपना पानी आनी पीने लगे, और फिर ये था कि पानी की बोतल भी उसी स्ट्रीम से ये लोग भर लेंगे। उतने में जब ये लोग बैठ के एक पेड़ की आड़ में थोड़ा सा बैठ के हाँफ रहे थे तो बैठ गए रेस्ट करने लगे, बोला कि 10 मिनट रुकते हैं फिर हम लोग चलते हैं पानी आनी पी लें। पानी पी के ख़त्म किए ही था तो एक पेड़ में से लंगूर की वार्निंग कॉल्स चालू, है ना, वो जो वो जो करने लगते हैं तो टिपिकल कॉल होती है। लोकल जो था वो कॉल समझ गया, उसने बोला साहब कोई बड़ा जानवर है पास में, या तो बाघ बोलते हैं ना, अब बाघ वो लेपर्ड को भी बोलते हैं, कई जगह है ये पहाड़ों में भी है, बाघ टाइगर को भी बोलते हैं, लेपर्ड को भी बोलते हैं। तो उसने यही बोला कि लग रहा है कि बाघ बोल रहा है, बाघ है तभी ये बोल रहा, बड़ी तेज तेज कॉलिंग कर रहा था। और जो लंगूरों का लीडर होता है ना वो सबसे टॉप पे चला जाता है। टॉप पे क्यों जाता है, क्योंकि वो चारों तरफ उसको दिखने लगता है कि क्या हुआ, और वो ऊपर चला गया, वहां से जोर जोर से वो लोग उछल उछल के कॉलिंग करने लगा। जो होती है स्क्रीचिंग शाउट्स होती है बंदरों की, वो टिपिकल होती है, दैट इज अ वार्निंग कि बड़ा जानवर एकदम बगल में है। एक इन्हें जंगल को वो दिखाना चाहते हैं। देखिए जंगल, आपको बता दूं मेरे हिसाब से एक लाइव थिएटर है, रंगमंच, जिसको और इसमें तरह तरह समझने के लिए चाहिए, जहां ड्रामा नॉनस्टॉप चलता रहता है, और ये उन्हीं ड्रामा में से ये कॉल्स आ रही थी। ये लोग अलर्ट होके चुपचाप एक बड़ा सा रॉक था उसके पीछे खड़े हो गए। और ये जो ड्रामा है ना जंगल का, ये दिन रात चलता रहता है। उस दिन ये लोग गनीमत थे कि ऊपर लंगूर थे पेड़ पे, उन्होंने वार्निंग कॉल दे दी तो ये लोग सतर्क हो गए और पीछे आके एक बड़े पेड़ के पीछे आके रुक गए। और जिस आदमी को जंगल की नॉलेज होती है ना, वो जानता है कि पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि रुकिए, अपने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करिए,
और फिर देखिए कि क्या हुआ है, तब आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। आप किसी खतरे के बहुत नज़दीक आ गए हो तो कैसे बचाव करना है, तीन लोग थे साथ में, अकेला भी कोई नहीं था। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब अंकल ने लंगूरों की कॉल सुनी और तो वो शोर हो गए कि कुछ बड़ा जानवर इन्होंने साइट किया है। लेबर्स को थोड़ा सा नॉलेज था और वो पहाड़ी जो आया था गनमैन उसको भी नॉलेज था, कहने के साथ बाघ है कहीं अगर बगल हम लोग को रुकना पड़ेगा। दोनों रुक गए वहाँ, तीनों रुक गए वहीं, एक रॉक था वहाँ पीछे बैठ गए और सामने जो है बड़ा घबरा के देखने लगे कि भाई क्या चक्कर है। और धीरे धीरे वह जो लंगूरों की कॉल थी वो तेज होती गई एंड दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स डेम। जो स्ट्रीम थी उसके उस पार ही थी बट वो स्ट्रीम की तरफ आ रही थी और अंकल और वो अनईजी भी हो गए। अंकल को ये सब एक्सपीरियंस नहीं था तो ही बिकेम वेरी अनईजी, उनको डर भी अंदर से लगने लगा था, नर्वस भी हो गए थे। जंगल कितना खौफनाक होता है उसका एक आपको ट्रू एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और फिर इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये पत्थर के पीछे काम नहीं चलेगा, हम लोग को पेड़ पकड़ो। तो पत्थर काफ़ी ऊंचा था और साइड में एक पेड़ था एकदम सटा हुआ, तो दैट बिकेम ईजी पेड़ चढ़ने के लिए। तो उस पत्थर से ये लोग तीनों उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। सबसे ऊपर अंकल थे, फिर वो जो गन वाला गनमैन था, वो नीचे सबसे लेबर था बट काफ़ी हाइट पे ऊपर चढ़ गए थे। और जो कह रहे थे ना कि जैसे ही मैंने सामने स्ट्रीम की तरफ ताका तो दिल दहलाने वाला सीन था। एक बिल्कुल यंग मेल अपनी पीक में और एक बूढ़ा शेर, ये दूर से भागते हुए आ रहे थे स्ट्रीम पे आके। फिर इन्होंने घुर्राना चालू किया जो एक टिपिकल टाइगर का होता है, दैट मीन्स वो टेरिटरी हथियाने की तैयारी थी। जो यंग मेल था वो बूढ़े को अपने इलाके से खदेड़ देना चाहता था, जो नॉर्मली जंगल में होता है, ताकि उसके कब्जे में बढ़िया एरिया आ जाए जहाँ जानवर है, स्ट्रीम बहती थी, पानी रहे, छुपने की जगह रहे, हरियाली रहे, छाए रहे। तो ये सब चीज़ें होती जिसके ऊपर लड़ाई जंगलों में बिग कैट्स के ऊपर होती है, चाहे वो लेपर्ड हो, टाइगर्स में तो अक्सर होती है। अब आप देख रहे हैं ये बिग कैट है, ये तो कोई टाइगर्स होगी क्योंकि बच्चे के साथ है और ऊपर एक मेल है, ये साइड ये ऐसे दो मेल थे। और फिर इनकी लड़ाई चालू हुई ज़बरदस्त। जो यंग मेल था वो दहाड़ के लपका और जो बूढ़ा शेर था उसको जो नीचे ले आया। और इनकी एक टिपिकल लड़ाई होती है, लड़ते हैं फिर अलग हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं फिर अलग हो जाते हैं। और जो भी थोड़ा सा एजेड शेर होता है उसका दमखम भी कम हो जाता है और उसको पता लग जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हमें अपना इलाका छोड़ना है। और जो डोमिनेंट होता है वो फूल के अगल बगल घूमता रहता है टू शो हिज डोमिनेंस, टू शो हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाने के लिए कि अब तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारा इलाका हमारा हो गया। तो वो इन लोग ने पेड़ के ऊपर से विटनेस किया और बहुत खौफनाक था। तो जब अंकल लौट के आए थे वो क्या फादर को बोले है आपको हम बताएंगे। तो वो हथियाना टेरिटरी हथियाने वाली लड़ाई बहुत कम लोग विटनेस करते हैं, फॉरेस्टर्स करते हैं अक्सर, बट मेरे फादर के डिपार्टमेंट के एक नए ऑफिसर ने ये सामने जो है एक डोमिनेंट टाइगर को आके पुराने टाइगर के ऊपर अटैक करना और किस तरह अपनी डोमिनेंस दिखाना वो फिटनेस किया, वो पहले सुनते ही थे। और कई तो आ जाते थे, फादर बताते थे नए अफसर आते थे जिनको जंगल का तजुर्बा ही नहीं होता था, तो दैट वो पोजीशन जो है थोड़ी सी डेंजरस होती है जंगल के अंदर ड्यूटी करने के लिए, इसीलिए शायद सिक्योरिटी साथ में रहती थी। बहरहाल ये लोग बैठे रहे, फिर तो हिम्मत नहीं हुई पेड़ छोड़ने के लिए। धीरे धीरे जो लड़ाई कम हो गई एंड जो थोड़ा बुजुर्ग वाला टाइगर था उसने शायद एक्सेप्ट कर लिया कि अब हमें अपना इलाका छोड़ना पड़ेगा, तो वो मूव आउट करने लगा और दूसरी तरफ भागा। अब दिक्कत ये थी कि जिस तरह वो भागा था
ये लोग अगर जाते और आगे पगडंडी पकड़ते तो वो वही एरिया था। बड़ी डेंजरस सिचुएशन थी, बिकॉज एक हारा हुआ शेर भी बड़ा डेंजरस हो जाता है, जो भी सामने आता है उस पर अटैक कर सकता है, बिकॉज वो उसके अंदर से जो भड़ास है ना उसकी हार की, वो उस टाइगर पे तो नहीं निकल पाया। क्यों निकाल नहीं पाया? क्योंकि वो बलवान था, यंग था, तो उससे तो वो लड़के अपना टेरिटरी खो के आया था। तो नंबर वन, द टाइगर हैड लॉस्ट हिज टेरिटरी, अपना इलाका छोड़ दिया था। दूसरा, वो भागा था, अब अनफॉर्चुनेटली ऐसे रास्ते से भागा था जहाँ इनको अगर ये पेड़ से उतरते भी, और वो जो डोमिनेंट मेल था वो उस इलाके में ऐसे ऐसे करके थोड़ा घूमता रहा, स्मेल करके अपनी सेंट मार्किंग मारता रहा और फिर पीछे की तरफ निकल गया, जहाँ वो स्ट्रीम थी उसके अपोजिट साइड में, ये लोग इस साइड थे, वो उस साइड निकल गया। बट इन लोग की हिम्मत उतरने की तब भी नहीं हुई, क्योंकि एक गया है जिनको थर्ड साइड पे जाना था उसी रूट की तरफ, और ये लोग वो खतरा ले नहीं सकते थे। एक हारा हुआ टाइगर या एक इंजर्ड टाइगर बराबर ही होता है, जब टेरिटरी फाइटिंग होती है टाइगर्स की, जो हारा हुआ होता है उसका गुस्सा जो है दूसरे लेवल पे होता है। तो ये जो नेपाली बहादुर गया था उसको समझा दिया था कि साहब वहाँ जाना ठीक नहीं है, उसी तरफ जो है ये टाइगर गया है, हम लोग को जो एकदम अभी लौट चलना पड़ेगा। अगर हम लोग को अपनी जान बचानी है आज, तो ये आप कैंसिल कर दीजिए तीसरी साइड पे जाना। पर तय हुआ तो जो ऑफिसर थे कह रहे थे कि उनको तो पेड़ से उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी, एक डेढ़ घंटा बैठे रहे ये लोग, भूख भी लग रही थी पर सब भूख मिट गई वो सीन देख के, आपस की फाइटिंग। बड़े लकी लोग होते हैं जो इस तरह के सीन्स देखते हैं। आजकल तो आप बहुत कॉमनली देख लेते हैं कि वाइल्ड में जो ऑफिसर्स भी हैं रिजर्व पार्क के, वो भी कैमरा लेके चलते हैं, इस तरह की चीज़ है। कईयों को यूट्यूब चैनल खुद के खुले हुए हैं, या जो फोटोग्राफर्स हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो काफ़ी एक बार आपको यूट्यूब में भी दिख जाता है, पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिख जाता है। बट जो वाइल्ड जंगल ना तो वो रिजर्व फॉरेस्ट है, है? तो ऐसे में देखना एक ज़बरदस्त, लकी हैं आप कि आपने वो देख लिया, और खौफनाक भी है कि दो राजाओं की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, एक डोमिनेंट जो यंग मेल है वो आया और दूसरे पे कब्जा कर लिया। तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी पेड़ से उतरने की। बहरहाल वो बहादुर ने बोला उतरिए साहब, हम लोग के पास बंदूक तो है, आप लोग आगे चलेंगे, हम साथ साथ चलते रहेंगे और साथ साथ रहिए। कहते हैं ना कि ऐसी भी लाइन नहीं होनी चाहिए कि 1, 2 और 3 अगर 3 पर्सन है सीधे लाइन पे चलते रहिए, तो तीनों साथ साथ रहेंगे। कोई भी अटैक अगर दाएं बाएं से होता है तो तीनों में से एक को क्लियरली दिखेगा। कई केसेस ऐसे हुए हैं कि आगे पीछे चल रहे थे और पीछे वाले को खींच ले गया बाघ, और जब तक हल्ला होता वो इतना पावरफुल होता कि खींच के ले जाता, फिर उसकी धाड़ ऐसी होती ना, तो जो मेरे अंकल घबरा गए थे ना उस दहाड़ से। टाइगर सिर्फ दहाड़ दे बगैर लड़ाई के, उस जंगल में जो आवाज़ इको होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो दो शेरों की आवाज़ किस तरह होगी आप समझ सकते हैं। आई थिंक वो दैट वाज द रीज़न कि वो बहुत घबरा गए थे। ही वाज अ यंग ऑफिसर, और फिर आए वो, और फिर फादर को लौट के इन्होंने बताया कि आज उन्होंने क्या फिटनेस किया, और उनके साथ दो इनकाउंटर्स हुए। एक किंग कोबरा को साइट करा उन्होंने जो कभी नहीं देखा था, वो बड़े गुस्से में था, बाद में पता लगा किसी फॉक्स के बच्चे को उसने मारा है, तभी तब हम लोग उसके रास्ते में आ गए थे तो उसने फुफकार मारी। और दूसरा तो बहुत ही भयानक था कि जो दूसरा रास्ता इन्होंने लिया निकल के जाने के लिए, उस स्ट्रीम के पास दो टाइगर्स की जो है वर्चस्व की लड़ाई इन्होंने देखी, डोमिनेंस देखा, एक पावरफुल टाइगर कैसे दूसरे को धराशायी करके उसके टेरिटरी को कब्जा कर लेता है, वो सीन देखा। यू हैव टू बी वेरी लकी टू गेट टू वॉच दिस। आप बहुत लकी होंगे तभी आपको इस तरह के सीन्स दिखते हैं, वरना आप खाली स्क्रीन के ऊपर ही देखते रहेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना। तो बहुत लकी रहे और बहुत घबराए हुए थे,
बहादुर तो बहुत अच्छा बहादुर था वो, वो तो यूज टू था, कई सालों से नौकरी कर रहा था और ये लोकल था, ये तो बहुत चीज़ें देखता रहता हो। बट वो अफसर बहुत घबरा गए थे, फिर उन्होंने फादर को आके बताया कि हम लोग लौट गए हैं सर, ये हमने एक्सपीरियंस किया। तो हमारे फादर को हंसी भी आ रही थी और समझ रहे थे अंदर से कि वो कितना घबरा गया था। तो जब कैंप में शाम को फादर के साथ बैठते थे ना, मैंने बोला सब अफसर आ जाते थे, चाय एक साथ पीते थे, फिर अपने अपने जो भी खाने का ऑर्डर होता था चले जाते थे अपने टेंट में या हट में जो भी हो। तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें सीखोगे। हमारा काम सिर्फ जंगल के अंदर ड्रिलिंग करना नहीं है। ड्रिलिंग के समय जिस समय ड्रिलिंग एक साइट पे होती है तो बहुत से लोग होते हैं, 20-25 लोग होते हैं, खतरा उस समय नहीं होता है। हम जब अपने टेंटों में रहते हैं या फिर आप जंगल में 2-3 लोग मूव कर रहे हैं, वो टाइम होता है जब हमें बहुत सावधान रहना है। बिकॉज जंगल एक ऐसा इलाका है जहाँ कब क्या आपको फेस करने को मिल जाए कोई नहीं जानता। उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी थी जो मेरे फादर की कैंप लाइफ की थी, और इसको आप सुन के मेरे को भी सुन के किसी को भी अगर ये सीन एकदम से आ जाए, ये महाराष्ट्र की कहानी है जब वो नागपुर में पोस्टेड थे उस समय की कहानी, तो ये सीन बड़े कॉमन होते हैं जंगलों के अंदर, और आप समझ लिए 50s में 60s में अर्ली 70s में अक्सर ये हुआ करते। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक नए यंग ऑफिसर ने क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग प्लीज़ इस पर कमेंट करिए और इसको और शेयर करिए लोगों के बीच में। मेरी मजबूरी है, मैं निकलूँगा अब, कल मैंने जो है निकला मैं एक बार लखनऊ के इर्द गिर्द जो फॉरेस्ट थे जिस पे मैंने एक स्टोरी एक डेढ़ महीना पहले बताई थी, वाइल्ड लाइफ अराउंड लखनऊ सिटी, उन जंगलों में गया। आज भी कुछ जंगल बहुत घने हैं और जंगलों में भी जाऊँगा। मेरे को एक दो कॉल भी आई है जहाँ लेपर्ड अटैक्स हुए हैं, मैं देखता हूँ कैसे कवर करता हूँ। तो आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।